नोट्स कल्चर शून्य से शिखर तक। नाउ कमिंग टू द क्यूटिकुलर अपेंडिज। अगर हम क्यूटिकुलर अपेंडिज की बात करें तो जो क्यूटिकल लेयर से जो अपेंडिजेस निकलेंगे, जैसे हमने देखा था कि जो डिफरेंट टैगमास थे हेड थोरैक्स एब्डोमेन, उनसे कुछ अटैचमेंट्स थे लेटरल या आउटग्रोथ्स थे, उन्हें हम अपेंडिज कह रहे थे। तो वैसे जब इंसेक्ट की बॉडी वॉल में क्यूटिकुलर लेयर से इस तरीके के कुछ स्ट्रक्चर्स निकलेंगे, उन्हें हम बोलेंगे क्यूटिकुलर अपेंडिजेस। तो ये दो तरीके के हो सकते हैं, पहला नॉन सेलुलर और दूसरा सेलुलर। नॉन सेलुलर की अगर बात करें तो नॉन सेलुलर इसका मतलब इसका सेल से कोई एसोसिएशन नहीं होगा, या हम ये बोल सकते हैं कि ओनली सेलुलर लेयर जो बॉडी वॉल में थी वो एपिडर्मिस थी। तो ऐसे अपेंडिजेस जिनका कोई भी एपिडर्मल एसोसिएशन ना हो, हैज नो एपिडर्मल एसोसिएशन, आर नॉन सेलुलर क्यूटिकुलर अपेंडिजेस। तो क्योंकि इनका कोई एपिडर्मल लेयर से एसोसिएशन नहीं है, ये सुपरफिशियली अटैच्ड है, इसलिए ये रिजिडली अटैच होते हैं किससे, क्यूटिकुलर लेयर से। इसके एग्जांपल्स अगर हम देखें तो दो एग्जांपल है, माइन्यूट हेयर्स, थॉर्न्स और इस तरीके के कुछ और स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं। नाउ कमिंग टू द सेलुलर, जिनका एपिडर्मल एसोसिएशन होगा, या हम ये बोल सकते हैं कि एपिडर्मल लेयर जो डीपली प्रेजेंट थी क्यूटिकल की तीन लेयर के बाद, उस वहां से इसका फॉर्मेशन या ओरिजिन होगा, इसलिए ये डीप प्रेजेंट है और बहुत स्ट्रांगली अटैच है। इसे फिर से दो तरीके में डिवाइड किया गया, यूनिसेलुलर है मल्टी सेलुलर। क्योंकि सेलुलर एसोसिएशन है या एपिडर्मल के सेल्स से ये बन रहा है, तो इनका फॉर्मेशन करने में कितने सेल्स यूज हुए हैं। तो पहला है यूनिसेलुलर, तो वो अपेंडिजेस जो सिंगल सेल के बने होंगे, जिनका एक ही सेल से स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हुआ होगा, वो होंगे यूनिसेलुलर क्यूटिकुलर अपेंडिज। इसके अंदर दो तीन एग्जाम्पल्स है, पहला है क्लोदिंग हेयर्स, जिससे पूरी बॉडी इंसेक्ट की कवर होती है, तो उस टाइप के हेयर जो पूरी इंसेक्ट की बॉडी को कवर करते हैं क्लोथ्स की तरह, उन्हें हम बोलते हैं क्लोदिंग हेयर। इसका एग्जाम्पल है हनी बी। नेक्स्ट इज द ब्रिसल्स। ब्रिसल्स जो होते हैं, जैसे हम टूथ ब्रिसल्स की बात करते हैं, बेस पे दिखने में हेयर की तरह ही होते हैं, बेस पे ब्रॉड होते हैं और टिप पे पॉइंटेड होते हैं, तो इस टाइप के हेयर्स का नंबर कंपेरेटिवली कम होता है क्लोदिंग हेयर्स से, और इसका एग्जांपल है हाउस फ्लाई। तो हाउस फ्लाई में हमें ब्रिसल्स जो है वो देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट इज द स्केल्स। अगर स्केल्स की बात करें तो स्केल्स जो है वो फ्लैटेंड आउटग्रोथ है किसका, क्यूटिकल का, और ये कलरफुल होते हैं। इसका एग्जाम्पल से बटरफ्लाइज एंड मॉस, तितलियां पतंगे, जब हम इन्हें टच करते हैं जो कलर्स हमारे हाथों पे इनके लग जाते हैं पंखों से, या फिर जब ये पंख पर पड़ाते हैं कुछ डस्ट लाइक स्ट्रक्चर छोड़ते हैं, वो बेसिकली क्या होते हैं, इसके स्केल्स होते हैं। नेक्स्ट इज द ग्लैंडुलर सीटा। अगर ग्लैंडुलर सीटा की बात की जाए तो हमने देखा था सीटा जो था, जहां पे बेस में एक सेल था ट्राइकोजन और दो सपोर्टिंग